हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सबको याद है हमने वाटर के बारे में पढ़ा था? हम लोग वाटर के बारे में बहुत सारी चीजें जान रहे थे ना, तो उसी के ऊपर एक और स्टोरी है हमारी, फन विद वाटर। दिस इज द स्टोरी ऑफ योर पीबीएल। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पिटर पैट पिटर पैट पिटर पैट पिटर पैट क्या होता है? ये पानी की आवाजें हैं। जब बारिश जब आपके घर पे या जमीन पर पड़ती है या खिड़की पे पड़ती है, तो आवाज जो होती है वो होती है टप 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 टप, ऐसी आवाज आती है ना। तो जब बहुत तेज तेज बारिश होती है तो इंग्लिश में उसको कहते हैं पिटर पैट पिटर पैट पिटर पैट पिटर पैट पिटर पैट, ऐसी आवाज आती है। ऑल राइट, द रेन फेल अगेंस्ट द विंडो पेन। विंडो पेन क्या होता है बेटा? विंडो पेन होता है, खिड़की है ना, ये खिड़की का ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा है, ये शीशा होता है ना, इसको विंडो पेन कहते हैं। तो जब आपकी खिड़की के शीशे में बारिश की बूंदें गिरती हैं, अगेंस्ट होता है उसके उल्टा, जब उसके ऊपर आके गिरती हैं, उससे टकरा कर गिरती हैं, तो अगेंस्ट होता है। आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड एंड प्ले मॉम। मैं बाहर जाना चाहता हूँ और खेलना चाहता हूँ मम्मा। वेन इज इट गोइंग टू स्टॉप रेनिंग? रोहन कंप्लेंड। रोहन ने क्या किया? शिकायत करी। कंप्लेन करना शिकायत होता है ना। जब कंप्लेन के आगे मैंने ईडी लगा दिया, कंप्लेंड कर दिया, तो उसने शिकायत करी थी, मतलब उसने मम्मा से शिकायत करी। पुरानी स्टोरी है ना ये। वो कह रहा है मम्मा कब बारिश खत्म होगी, मैं कब खेलने जा पाऊंगा बाहर। हिज मदर विश्ड दैट इट वुड स्टॉप रेनिंग टू। मम्मी भी चाहती थी, विश मतलब चाहती, चाहने को विश करते हो ना। आई विश मेरा बर्थडे पे केक आए, आई विश मुझे बहुत सारे टॉयज मिले। लेकिन उसने विश किया था, मम्मी ने विश किया था, तो ईडी लगा दिया, विश्ड कर दिया। हिज मदर विश्ड दैट इट वुड स्टॉप रेनिंग टू। टू जब टी के आगे डबल ओ लगता है ना बेटा, तो इसका मतलब होता है भी। तो मम्मी भी चाहती थी कि बारिश रुक जाए। तो टी के आगे डबल ओ लगा, नया वर्ड है, टू का मतलब भी। ओके, फॉर 3 डेज रोहन हैडन बीन एबल टू गो आउटसाइड एंड प्ले। 3 दिन हो गए थे रोहन बाहर जा ही नहीं पाया था खेलने के लिए। आई एम श्योर इट विल स्टॉप एनी टाइम नाउ रोहन। मम्मा ने क्या कहा? बेटा मुझे पक्का विश्वास है बारिश जल्दी बंद हो जाएगी। वाई डोंट यू कम एंड हेल्प मी टू मेक सम नमक पारे। मम्मी ने क्या बोला? मेरे साथ आओ, मेरे साथ नमक पारे बनवाओ। आपने ये नमक पारे देखे हैं कभी? मम्मा ने बनाए हैं आपके लिए? अच्छा, आप सब लोग अपनी मम्मा के कुछ बनाने में हेल्प करते हो? जैसे मम्मी लड्डू बनाती होंगी तो आप कहते होंगे लाओ मम्मा मैं भी बनाऊंगा लड्डू साथ में, ऐसा होता है ना? कभी मम्मी नमक पारे बनाती है तो आप बोलते हो लाओ मैं साथ में नमक पारे को बेलूंगा या मैं साथ में नाइफ से काटूंगा। तो वैसे ही उसकी मम्मा ने कहा आओ मेरी हेल्प करो नमक पारे बनाने में। रोहन वॉज टायर्ड ऑफ मेकिंग नमक पारे। टायर्ड मतलब थक गया था, क्या कर करके नमक पारे बना बना के। ही हैड मेड नमक पारे एवरी डे सिंस इट स्टार्टेड रेनिंग। सिंस मतलब जब से शुरू हुई थी बारिश होना, जब से शुरू हुई थी तब से वो नमक पारे बना रहा था, और अब वो बहुत टायर्ड था। ही डिडंट वॉन्ट टू प्ले विद हिज टॉयज। उसको अपने टॉयज के साथ भी नहीं खेलना था। ही डिडंट वॉन्ट टू वॉच टेलीविजन। उसको टीवी भी नहीं देखना था। ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड एंड प्ले। वो बाहर जाना चाहता था और खेलना चाहता था। नो मॉम आई डोंट वॉन्ट टू मेक नमक पारे। ही क्राइड एंड रन इन टू द लिविंग रूम। क्राइड मतलब या तो वो क्राइड का मतलब रोना होता है या चिल्लाकर बोलना भी होता है क्राइड। तो उसने जोर से बोला नहीं मम्मा मेरे को नहीं बनाने नमक पारे। आप भी गुस्से में ऐसे कर दो ना, नहीं मुझे नहीं खाना कुछ भी, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं बात सुनूंगी आपकी। वैसे इसने कहा नहीं मुझे नहीं बनाने नमक पारे, और वो अपने लिविंग रूम में, लिविंग रूम क्या होता है, जो आपका डाइनिंग रूम होता है, जहाँ पे आपका सोफा होता है, टेलीविजन होता है, वो वहां पे चला गया। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द काउच। काउच का मतलब होता है बेटा सोफा। उसने अपने आप को सोफे पे फेंक दिया, मतलब कि गुस्से में आप अपने बेड पे या सोफे पे घुस जाते हो ना गुस्से में, वैसे ही वो भी गुस्से में अपने सोफे में घुस गया। एंड सेड आई जस्ट वॉन्ट टू गो आउटसाइड, मुझे बस बाहर जाना है। हिज मदर हैड एन आइडिया। अब उसकी मम्मा को आइडिया आया, बिकॉज रोहन बहुत सैड दिख रहा है ना बेटा, तो मम्मा को तो कभी अच्छा नहीं लगता जब बच्चे सैड होते हैं। तो फिर मम्मी कोई आइडिया सोचती हैं कि हमारे बच्चे सैड ना रहे, है ना। रोहन गो अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स मतलब सीढ़ियां चढ़ के ऊपर वाले फ्लोर पे जाओ। एंड पुट योर प्लास्टिक स्लीपर्स। क्या पहनो? अपने प्लास्टिक की चप्पलें पहनो। योर रेन कोट, अपना रेन कोट पहनो, और अपनी रेन हैट भी पहनो। रेन हैट मतलब वैसे ही रेनकोट के साथ जो एक हैट आती है जिससे आपका सर नहीं भीगे, वो भी पहनो। और टू टू का मतलब बताया था अभी
DOO, टू का मतलब भी, तो अपनी रेन हैट भी पहनो। रोहन सैट अप एंड स्माइल्ड। रोहन खड़ा हो गया और वो उठकर बैठ गया और वो मुस्कुराने लगा। देखो स्माइल मतलब मुस्कुराते हैं और स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया, मुस्कुराया था। हैज इट स्टॉप रेनिंग? अरे बारिश खत्म हो गई क्या? नो, देयर इज नो रीजन यू कांट गो आउटसाइड एंड प्ले इन द रेन। वुड यू लाइक दैट? शी आस्क्ड। मम्मी ने कहा नहीं, रीजन का मतलब कोई कारण नहीं है कि बाहर बारिश हो रही है और तुम खेल ना सको, मतलब तुम बारिश में भी खेल सकते हो। क्या तुम ऐसा चाहते हो? यस मॉम, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड एंड प्ले। हाँ मम्मा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ और खेलना चाहता हूँ, इवन इन द रेन, चाहे बारिश हो रही हो। इवन मतलब बारिश में भी मैं खेलना चाहता हूँ। रोहन लॉफ्ट। रोहन को हंसी आ गई खुशी के मारे कि अरे वाह, मम्मा तो मान गई बाहर भेजने के लिए। ही रैन टू हिज बेडरूम एंड पुट ऑन हिज प्लास्टिक स्लीपर्स। तो वो कहाँ गया बेटा? वो अपने बेडरूम में गया और उसने क्या लिया? उसने प्लास्टिक के स्लीपर्स पहने, ऐसे प्लास्टिक के स्लीपर्स पहने। बेटा यहाँ पे फोटोग्राफ थी लेकिन वो आ नहीं रही है शायद। प्लास्टिक के स्लीपर्स, या जैसे आप क्रॉक्स पहनते हैं ना, जो पानी में खराब ना हो और आप फिसले ना, वैसे उसने प्लास्टिक के स्लीपर्स पहने। देखिए उसने प्लास्टिक के स्लीपर्स पहने हैं। दे वर परफेक्ट फॉर द रेन, दे वुडंट गेट स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड मतलब खराब नहीं होंगे, लाइक हिज अदर शूज। बाकी जूते पानी में खराब हो जाते हैं। एंड ही वुडंट लेट हिम स्लिप व्हेन ही स्प्लैश्ड इन द पडल्स। आपको याद है ना, स्प्लैश बताया था मैंने, जब हम छपाक छपाक करके पानी में कूदते हैं, पानी की छपाक छपाक आवाज आती है ना, तो जब वो स्प्लैश करेगा पानी में तब वो फिसलेगा भी नहीं और उसके प्लास्टिक के स्लिपर्स खराब भी नहीं होंगी। और पडल्स क्या होता है? ये देखो, जब बारिश में छोटे छोटे पानी के गड्ढे भर जाते हैं ना, अब ये बच्चे जो है ना, वो यहाँ रोड से भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, उनको तो यहीं से जाने का मजा आ रहा था। आपको मजा आता है ना, पानी जहाँ पे भरा है वहां पे छपाक छपाक करते हैं, जंप करते हैं। ही स्लिप्ड हिज रेनकोट ऑन। स्लिप मतलब उसने पहन लिया अपने ऊपर। इट वॉज ब्लू टू, जस्ट लाइक हिज रेन हैट। देखो इसके रेन हैट ब्लू कलर की है और वैसा ही रेन कोट है। आई एम रेडी मॉम, ही सेड। उसने कहा मम्मा मैं तो रेडी हूँ। वेट अ मिनट, शी आंसर्ड। उसने क्या जवाब दिया? रुको रुको। शी ओपन्ड अप द कबर्ड। उसने क्या किया? कबर्ड खोला, जो आपकी वुडन अलमीरा होती है, लकड़ी की अलमीरा होती है, उसको खोला। एंड पिक्ड अप द ब्राइट कलरफुल अम्ब्रेला। उसने बहुत ब्राइट, ब्राइट मतलब बहुत ही कलरफुल, जिसके कलर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, वैसे ब्राइट चमकीले कलर वाला अम्ब्रेला निकाला। हियर यू गो, यू आर ऑल सेट नाउ। ऑल सेट नाउ, अब तुम रेडी हो बाहर जाने के लिए। गो आउटसाइड एंड प्ले। शी हग्ड हिम एंड ओपन द फ्रंट डोर। उसने उसको गले लगाया और बाहर का दरवाजा खोल दिया। द रेन वॉज पोरिंग डाउन। बेटा पोरिंग का मतलब क्या होता है? जब हम कोई सॉलिड चीज डालते हैं तो पुट बोलते हैं, जैसे पुट शुगर इन द मिल्क, पुट माई बैग डाउन, पुट योर बुक्स ऑन द बुक, पुट योर बुक्स इन योर बैग। ठीक है, तो जब हम कोई सॉलिड चीज डालते हैं, कोई ऐसी चीज डाल सकते हैं जिसको हम छू सकते हैं, तो वो उसको हम पुट कहते हैं। पर जब लिक्विड चीज होती है ना बेटा, लिक्विड को पुट नहीं करते, लिक्विड को पोर कहते हैं, POUR। ठीक है बच्चा, तो अगर आप ग्लास में पानी डालते हो तो आप क्या बोलोगे? मम्मा मेरे ग्लास में पानी पोर कर दो। अगर आप मम्मा से दूध डलवाओगे तो कहोगे मम्मा मेरे ग्लास में दूध पोर कर दो। तो पोर मतलब कोई भी लिक्विड चीज को, पानी जैसी चीज को किसी चीज में डालना या गिराना। तो द रेन वॉज पोरिंग, तो रेन तो लिक्विड होती है ना, तो वो नीचे गिर रही थी। पडल्स वर ऑल ओवर द ग्रास एंड द स्ट्रीट। ये जो छोटे छोटे पडल्स हैं, ये पूरे रोड पे जमीन पर घास में थे। ग्रास मतलब घास में थे। रोहन ओपन द अम्ब्रेला एंड स्टोड इन द रेन। रोहन ने क्या किया? अम्ब्रेला ओपन कर लिया और बारिश में खड़ा हो गया। अब तो उसे कोई डर नहीं है ना, भीगेगा तो नहीं। इट फेल ऑल अराउंड हिम। आपके साथ बच्चा ऐसा होता है ना, आपकी तबीयत खराब है, आपको जुकाम है, तो मम्मी आपको बारिश में खेलने से मना करती हैं, भीगने से मना करती हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि आप भीग ना जाओ, आपको ठंड ना लग जाए। अब देखो इसको तो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि उसने रेनकोट भी पहना, रेन हैट भी पहना और साथ में उसने अम्ब्रेला भी ले लिया। रोहन ओपन द अम्ब्रेला एंड स्टूड इन द रेन। इट फेल ऑल अराउंड हिम। उसको बारिश की बूंदे जो हैं उसके ऊपर गिर रही थी। फॉल होता है गिरना ना, मम्मी कहते डू नॉट फॉल, फॉल मतलब गिरना, पर जब गिरी थी या गिर रही थी तो फेल आएगा, तो पास्ट टेंस है। तो जो बारिश की बूंदे हैं वो उसके पूरे बॉडी में और अम्ब्रेला में गिर रही थी। बाउंसिंग ऑफ द अम्ब्रेला, बाउंसिंग का मतलब होता है उछलना।
तो वो पानी की बूंदें उछल रही थी अम्ब्रेले से बाहर की तरफ। हिज रेन हैट एंड रेन कोट, रेन हैट से भी उछल रही थी और रेन कोट से भी उछल रही थी। ही स्टार्टेड टू लॉफ एंड रन अराउंड स्प्लैशिंग इन द पडल्स। उसने क्या शुरू किया, उसने हंसना शुरू किया और यहाँ वहाँ भागना शुरू किया, क्योंकि जब बहुत खुश होते हो तो ऐसे ही करते हो ना, जोर जोर से यहाँ वहाँ भागना शुरू करते हो, एकदम अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और पानी में पडल्स में स्प्लैश करने लगा। वाटर फ्लू एवरीवेयर। अब जब बर्ड्स हवा में क्या करती हैं, फ्लाई करती है ना, फ्लाई का पास्ट टेंस होता है फ्लू, मतलब उड़ी थी, तो पानी हवा में यहाँ वहाँ क्या हो रही थी, उड़ रही थी। आर यू ग्लैड टू सी द रेन, रोहन आस्क्ड द फ्लावर्स ग्रोइंग इन द गार्डन। तो रोहन ने एक फ्लावर था, देखो ये फूल है ना, फूलों से पूछा जो गार्डन में उग रहे थे कि क्या आप ग्लैड हो बारिश देख के, ग्लैड मतलब क्या आप खुश हो, आर यू हैप्पी टू सी सी द रेन। और दे सीम टू नॉट, यस, और नॉट का मतलब होता है सर हिलाना, तो ऐसा लगा जैसे कि ये जो फूल है ये अपना सर हिला रहे हैं और क्या कह रहे हैं, यस, एज इफ आंसरिंग हिज क्वेश्चन, आई एम एंजॉयिंग इट टू। ऐसा लग रहा था जैसे फूल भी कह रहे थे कि हाँ हम भी बारिश एंजॉय कर रहे हैं। ही गिगल्ड, गिगल्ड क्या होता है, हंसना, ही, ऐसे वाला हंसना, खिखी करके हंसना, तो उसने गिगल किया, उसने हंसा। ओके, रोहन मॉम, देखो रोहन की माँ, तो यहाँ पे हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया, ऊपर कॉमा लगा के एस लगाते हैं, तो रोहन की मम्मी बन गया, ठीक है, तो रोहन की मम्मी के लिए एपोस्ट्रॉफी एस। रोहन मॉम स्टूड, स्टैंड का पास्ट टेंस है स्टूड, खड़ी थी विंडो खिड़की के पास, वॉचिंग हिम उसको देख रही थी। आई वॉज हैविंग सो मच, सॉरी आई एम सॉरी बच्चा, ही वॉज हैविंग सो मच फन, उन्हें उसी को बहुत मजा आ रहा था। शी रिमेम्बर्ड, अब मम्मी को याद आया, वेन शी वॉज अ लिटिल गर्ल शी लाइक टू स्प्लैश इन पडल्स टू, जब वो छोटी बच्ची थी तो उसको भी बारिश में पडल्स में स्प्लैश करना अच्छा लगता था। अनदर ब्रिलियंट आइडिया केम टू हर, उसके पास एक और बहुत ही मजेदार आइडिया आया। इस स्टोरी के बाद आप सब अपनी मम्मा से पूछोगे कि जब वो छोटी थी तो क्या उनको पानी में खेलना मजा आता था, क्या उनको पानी में स्प्लैशिंग स्प्लैशिंग करने में मजा आता था, आस्क देम। ओके मॉम, रोहन कॉल्ड एट द फ्रंट डोर ओपन एट एंड हिज मॉम वॉकड आउट। जैसे ही बाहर का दरवाजा खुलता है, दरवाजे का, घर का दरवाजा, रोहन ने बोला मम्मा, शी वॉज ड्रेस्ड इन ऑरेंज रेन कोट, मम्मा ने क्या पहना था, ऑरेंज रेन कोट, वोर हर ऑरेंज, वोर वेयर का मतलब होता है पहनो, मम्मी कहते ना वेयर योर ड्रेस, वेयर योर यूनिफॉर्म, तो वेयर का पास्ट टेंस वोर मतलब पहना था। वोर हर ऑरेंज रेन हैट, उसने अपना रेन हैट पहना था, एंड प्लास्टिक स्लीपर्स, और उस मम्मा ने भी क्या पहने थे, प्लास्टिक स्लीपर्स पहने थे। शी हैड अ ब्लू अम्ब्रेला, उनके पास क्या था, ब्लू अम्ब्रेला, रोहन के पास था कलरफुल अम्ब्रेला और मम्मा के पास था ब्लू अम्ब्रेला। कैन आई स्प्लैश इन पडल्स विद यू, शी आस्क्ड, उसने कहा क्या मैं भी पडल्स में स्प्लैश कर सकती हूँ आपके साथ। रोहन खुश हो गया, यस मम्मा यस, कम एंड स्प्लैश इट इज फन, ऐसे ही होगा ना, अगर आप मस्ती मार रहे हो और मम्मा ने कहा आओ मैं भी आपके साथ मस्ती मारूं तो आपको खुशी होगी ना। रोहन एंड हिज मदर स्टेड आउट इन द रेन फॉर लॉन्ग टाइम, वो बहुत देर तक बारिश में मजे करते रहे। दे जम्प इन द पडल्स, उन्होंने पडल्स में जंप किया, स्प्लैश्ड ऑन ईच अदर, एक दूसरे को छपक छपक करके पानी भी गिराया। दे सेल्ड लीव्स, देखो बेटा बच्चे देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नीचे वाले पिक्चर में जब बारिश होती है पानी भर जाता है ना, तो या तो पेपर की बोट बनाते हैं और पानी में बहाते हैं, या उनको बोट नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया, लीव्स लिए, पत्ते लिए और पत्ते को पानी में बहा रहे थे। दे सेल्ड लीव, सेल्ड होता है तैराना, तो पत्तों को तैरा रहे थे ओवर दी ओवरफ्लोइंग गटर्स, जो साइड में नालियों में बहुत पानी भर गया था ना, ओवरफ्लो मतलब बहुत ज्यादा भर गया था, बाहर निकल रहा था, उसमें उन्होंने अपने पत्तों को तैराया। दे ट्राई टू कैच रेन ड्रॉप्स इन दिस माउथ, इन देयर माउथ, आपने कभी किया है, मैंने तो किया है, आप बारिश में खड़े होके मुंह खोल करके पानी को अपने मुंह से कैच करने की कोशिश कर रहे थे, हर रेन ड्रॉप को। एंड इवन स्विच्ड अम्ब्रेलास, और उन्होंने क्या किया, अपना अम्ब्रेला भी एक्सचेंज कर लिया, एक दूसरे को अपना अम्ब्रेला दे दिया। दैट नाइट, उस रात को, व्हेन रोहन वेंट टू बेड, जब रोहन अपने बेड में सोने गया, ही थॉट, उसने सोचा, थिंक का पास्ट टेंस होता है थॉट, अबाउट हाउ ग्लैड ही वॉज फॉर द रेन, वो कितना ग्लैड का मतलब बताया ना, वो बहुत खुश था रेन के बारे में कि आज वो रेन में खेल पाया। एंड फॉर अ वंडरफुल डे ही हैड आउटसाइड प्लेइंग विद हिज मॉम, और उसको कितना वंडरफुल डे मिला अपनी मम्मा के साथ बाहर बारिश में खेलने का।
ओके, आपके साथ भी ऐसा होता है ना बेटा? और देखो जो नीचे नाम है ना बेटा, मागो फेलिस, ये नाम है उसका जिसने ये स्टोरी लिखी है। ओके, इसको हम ऑथर बोलते हैं। तो हमारी स्टोरी का ऑथर है मागो फेलिस, उसने ये स्टोरी लिखी है बच्चा, ठीक है? तो आप सबके पास भी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं ना बच्चा, जब आप बहुत एंजॉय करते हो मम्मा के साथ, मम्मा भी आपके साथ बच्चों वाली हरकतें करती हैं और आपको बहुत फन होता है, बहुत मजा आता है, और जब आप रात को सोते हो तो आप बहुत खुश होकर सोते हो कि आज तो बहुत ही मजा आया, मम्मी ने कमाल कर दिया, पूरा दिन हमारा बेस्ट डे था, ऐसा होता है ना बच्चा? तो देखो पानी का हमने पहले पोएट्री में पढ़ा कि वो पानी में कैसे एंजॉय किया था उसने वाटर पार्क में, और दूसरा तरीका पानी में एंजॉय करने का क्या है हम सबके लिए, रेन वाटर में जब बारिश आती है ना? ऑल राइट, आई होप आपको स्टोरी समझ में आई है। आप मुझे कॉल कर सकते हो अगर कोई बात समझ में नहीं आई है। बाय बेटा, टेक केयर।